हेलो गाइस, तो आज हम वीडियो में बात करने वाले ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड। बट उनसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग इस वीडियो पे क्लिक करके आए हो तो मैं बता दूं एक खास बोनस आप लोगों को मिलने वाला है। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहे, खास करके इलाइट वाले। मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो की मोटिव की ओर। तो कल रात को मेरा ही TPO करके मैनेजर और कैंपस की तरफ से पीपल एम्बेसडर नाम की एक मैम थी, उन्होंने सभी को सेंड किया मेल। तो काफ़ी लोगों में डाउट था कि ओनली इलाइट वालों के आइए, इलाइट वालों की ऑनबोर्डिंग देखने को मिल सकती है अपकमिंग मंथ्स में या फिर अपकमिंग वीक्स में। एंड ये सेम मेल मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये विल्प वालों के भी आए। तो आप यहाँ से क्लियर कट हो गए होंगे, ये पार्टिकुलर इलाइट वालों के लिए नहीं थी। और इस मेल में ऐसा कुछ खास था भी नहीं जो ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड हो। बहुत सारे बच्चे कल रात को मुझे अचानक मैसेज करने लगे कि इलाइट वाली को ऐसी मेल आई है, मे बी अब ऑनबोर्डिंग होगा, मैं दूसरे वाले में, मेरे इंटरव्यू है, मेरी असेसमेंट है, मैं सोच रहा हूँ नहीं बिकॉज मेरी प्रिपरेशन नहीं है। ऐसे उन्होंने एक्सक्यूज दिया, बोला कि अब तो मेरी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी ना कि बिकॉज मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ दूसरे MNCs में। तो मैंने उनसे बोला कि बिल्कुल भी नहीं, इससे कुछ ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड नहीं है, इस पे वजह से आप ऑनबोर्डिंग पे डिपेंड नहीं हो सकते हो। सो इसको आप लोग एक लाइट मेल की तरह लो, इससे ऑनबोर्डिंग को लेके कुछ भी अपने मन से मिथ वगैरह नहीं बैठा, इसे ऑनबोर्डिंग से लेना देना नहीं। होप कि आपके ऑनबोर्डिंग विद इन मंथ्स हो जाए, विद इन 2 months हो जाए, बट अभी कोई भी ऐसे चांसेस नहीं देखने को मिल रही जिससे कि आप दूसरे इंटरव्यूज या दूसरे असेसमेंट को या फिर दूसरे MNCs में कंपनी में अप्लाई करना बंद कर दो। अभी भी सेम प्रोसीजर जो मैं पिछले 1-2 months से बोल रहा हूँ कि दूसरे कंपनी में आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई करना है। अब इस वीडियो में बोनस पॉइंट की बात करते हैं कि क्या है। सेम विल्प वालों भी, इलाइट वालों भी एंड अदर कैंडिडेट्स वो सारी अप्लाई कर सकते हैं। जो जॉब हायरिंग आई है आप लोगों के लिए वो आई टेक्निकल ग्रेजुएट अप्रेंटिस की होने वाली है, जो कुछ दिनों में आपकी ट्रेनिंग के बाद ये फुल टाइम जॉब हो सकती है। अगर आप अपने अप्रेंटिस में ध्यान से अगर सारी चीज़ को, ट्रेनिंग वगैरह को कंप्लीट करते हो, तो जो लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रही होगी बैंगलोर एंड इंडिया की होने वाली जॉब आईडी होने वाली है। जैसा कि देख रहे होंगे टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट की बात करें तो ये IT में होने वाली टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट, इन द सेंस कि आपकी ये प्योर IT से रिलेटेड जॉब होगी। जॉब टाइप की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि अप्रेंटिस है, काफ़ी ज़्यादा BA and BTEC वाले जो Tier 3 कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होती नहीं है कि कैसे कैसे कॉलेज में प्लेसमेंट लेना है नहीं लेना, बिकॉज उनके कॉलेज में ज़्यादा ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती नहीं है। ऑफ कैंपस में लोग गिने चुने इंडियन टेक जायंट्स के नेम को नहीं वो लोग जानते हैं, सो उन तक ज़्यादा पहुँच ही नहीं सकती है। सो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मल्टीपल जॉब ऑफर्स लेके आऊँगा। बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि आप लोग देख रहे हो एलिजिबिलिटी आपकी होगी BE BTEC वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, इंजीनियरिंग वाले, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले, नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि आप कह सकते हो कि हर फील्ड के बंदे एलिजिबल है इस जॉब रोल के लिए। और सिस्को बहुत ज़्यादा बढ़िया मैसेज, आप लोग इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। नेटवर्किंग की सबसे बड़ी कंपनी सिस्को को ही कहा जाता है। और यहाँ पे बात करें तो 2021 and 2022 पास आउट्स पीपल आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब रोल, मस्ट वी हैव अ पीरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग October 2022। मतलब कि आपकी जो 12 months की प्रोबेशन पीरियड होगी October 2022 में, जैसे कि देख रहे हो आपको ज्वाइनिंग भी हो सकती है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बिकॉज 1 month से आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जब बात करें विप्रो की, इन्फोसिस की, तो लोग 4-4 months से, 5-5 months से यहाँ पे बैठ के इंतजार करें कि अब कंप्लीट होगी, अब कंप्लीट होगी, बट ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें पर डोमेन की, तो डोमेन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, डेवलपमेंट के मिल सकते हैं आपके, टेस्टिंग की आपको मिल सकती है, और भी कई तरह के आपको एक्सप्लोर करने के जॉनर इसमें देखने को आपको मिलेगा, जैसे कि डेवलप, टेस्ट, ट्रबल सूट्स एंड डीबग हार्डवेयर प्रोग्राम्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे कि देख सकते हो आप लोग मॉनिटर इन टू इन एप्लीकेशन परफॉर्मेंस फ्रॉम यूज़र, डेवलप डिजाइंस, इम्प्लीमेंट, कंसल्ट विथ, ये आपके एक तरह के एनालिटिक्स वाले जॉब रोल बोल सकते हो। सो मल्टीपल यहाँ पे आपको जो डोमेन देखने को मिलेगा इसमें खुद को एक्सप्लोर करने का आप लोगों को बहुत ज़्यादा मौका मिलने वाला है। सो आई होप आप लोग इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो बिकॉज काफ़ी अच्छी IT जॉब्स होने वाली है। एंड वी ऑल नो सिस्को बहुत ज़्यादा अच्छी है, विप्रो की तरह, एसेंचर की तरह नहीं करती है कि किसी को जॉब अपडेट्स देके फिर उनको मेल करना बंद कर दे। एसेंचर की तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें अगर एक बार आपने रिज्यूम को अपने शॉर्ट लिस्ट करवा दिया सो आपके 110% आप असेसमेंट क्लियर कर दूंगा आई नो। और इंटरव्यू तो टोटली अप टू ऑन यू बिकॉज आपकी स्किल्स आपके पास कितना है टोटल आप पे डिपेंड करता है। अगर एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चंस वगैरह के इशूज़ होंगे मैं क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, अगर इसको आप लोग मिस कर दोगे तो आपको और भी दिन तक वेट करना पड़ सकता है ऑनबोर्डिंग के लिए हो, ज्वाइनिंग डेट के लिए हो। सो आई होप आप लोग अप्लाई कर रहे होगे। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।